नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि मेरे पास कई बार कॉल भी आ चुकी हैं कई लोगों की और उनको मैंने बताया भी है और सेम वही प्रॉब्लम आज इस गीजर में है जहाँ मुझे बुझाया गया है। इस गीजर में क्या है दोस्तों, ये गीजर क्या कर रहा है, इनका कहना है कि थोड़ी देर गर्म पानी कर रहा है उसके बाद से कट हो रहा है तो उससे ऐसे भी गर्म पानी नहीं कर रहा है। ठीक है, जिसके अंदर दूसरा थर्मोस्टेट है उसको रिसेट करना पड़ रहा है फिर गर्म पानी कर रहा है। तो इसको इसको खोलता हूँ और इसको देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो वीडियो में दोस्तों बने रहे, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और लाइक जरूर करें दोस्तों। मेरे को आज 50 लाइक, मैंने पिछले वीडियो में कहा था मुझे 50 लाइक चाहिए करके, किसी ने लाइक नहीं किया। लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक कोई नहीं कर रहा दोस्तों। एक लाइक से दोस्तों क्या होता है कि वीडियो में आने का मन करता है। दोस्तों जैसे आप देखेंगे मैंने खोल दिया है। अगर आप एक नया इलेक्ट्रिशियन हैं या आप दोस्तों काम सीख रहे हैं तो कभी जब दोस्तों गीजर ऑफ होने के बाद दोबारा ऑन नहीं होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, देखिए ये इसमें जंग लग गया है, इसको हमने ये दबा देना है। ठीक है, अब मैं इसको ऑन करूंगा और हमारे दो के दो इंडिकेटर ऑन हो जाएंगे। ठीक है, अभी हमारे दो के दो इंडिकेटर ऑन हो चुके हैं, अभी गर्म पानी इसमें हो रहा है। अब हम देखते हैं कि इसमें गर्म पानी हो कितना रहा है, तब तक के लिए थोड़ी देर के बाद आपसे मिलता हूँ मैं। तो यार गाइज ये देखिए, ये करीब 15-20 मिनट करीब चला, उसके बाद से कट हो गया। अब देखते हैं पानी कितना गर्म हुआ। तो गाइस अभी ये देखिए हमारा ये 15 लीटर की बाल्टी होगी करीब, ये फुल हो गया, फुल होने वाला है और अभी भी एकदम खोलता पानी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि गीजर हमारा बढ़िया काम कर रहा है और अभी जैसे रिसेट ही नहीं हुआ है, अभी तक इसने रिसेट हो जाना चाहिए था। ठीक है, दोबारा इसने ऑन हो जाना चाहिए था, ऑन नहीं हो रहा है। तो इसका कारण क्या है दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिए। गाइस होता क्या है, देखिए ये जो ट्रिप है ना, ये ट्रिप हो गया, इसको हमें दोबारा ये देखिए आप देखेंगे दोबारा ऑन हो गया है। ये क्या हो रहा है इस कंडीशन में दोस्तों, होता क्या है, जो हमारा टेम्परेचर वाला है ना, जैसे ये हमारा 65 में अभी टेम्परेचर सेट है इसका, जब पानी गर्म हो जाता है 65 में आके इसने कट कर देना चाहिए। ठीक है, ये हमारा कट नहीं कर रहा है। उस कंडीशन में क्या हो रहा है, जब वो कट नहीं करता है तो ये सेफ्टी के लिए लगा देता है ये थर्मोस्टेट, ये यहाँ से इसे कट कर देता है, रिसेट कर देता है। फिर उसके बाद जब तक आप इसको स्लिप को दोबारा दबाएंगे नहीं तब तक आपका गीजर ऑन होगा नहीं। तो इस कंडीशन में आपने क्या करना, अब इसको हम खोलेंगे और देखेंगे कि इसमें दिक्कत क्या हो रही है थर्मोस्टेट में, इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आराम से देखिएगा दोस्तों, इसको मैं रिपेयर करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि इसको रिपेयर कैसे करना है। अब दोस्तों ये देखिए फ्रेंड, जैसे कि हमने ये थर्मोस्टेट निकाल दिया है। ठीक है, अब जैसे इसमें हो क्या रहा है, देखिए जब हम रिसेट कर रहे हैं तो यहाँ से तो हमारा करंट जा रहा है। ठीक है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, और बस इसमें एक चीज़ नहीं हो रही है कि ये गर्म भी कर रहा है, जो हमारा टेम्परेचर है वहाँ तक गर्म भी कर रहा है। जब ये कट नहीं कर पा रहा है तो हमारा जो दूसरा रिसेट वाला थर्मोस्टेट है वो कट कर रहा है। तो इस कंडीशन में आपने करना क्या है, आपने करना क्या है दोस्तों, इसमें देखिए ये है ना, ये एक के अंदर से इसमें ये देखिए, ये वाली ना ठीक से दिखाता हूँ आपको, ये है। इसको आपने ये समझ लीजिए कि दो चूड़ी आप इसको घुमा दीजिए, अभी मैंने पेचकस से दो चूड़ी घुमा दिया है, दो चूड़ी इसको घुमा दीजिए और उसके बाद से आपका थर्मोस्टेट सही काम करेगा। अब एक बार इसको लगा के चेक करते हैं, अगर फिर भी नहीं होगा तो इसको हल्का सा फिर घुमा लेंगे। तो एक बार इसको लगा के चेक करते हैं फिर आपको दिखाता हूँ फ्रेंड। तो गाइस इसको लगा के हमने थर्मोस्टेट लगा दिया है, उसके बाद हमने फिर एक बार ऑन कर दिया। ठीक है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, इसमें गर्म पानी होने लगा है। अब देखते हैं कि ये कट करने के बाद ये हमारा ये मेन जो जिसने कट करना चाहिए वो कट करता है या हमारा यहाँ से इसको ये रिसेट करता है। तो इसके लिए हमें आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही आप देखेंगे कट हो गया है। ठीक है, हमारी हरी वाली बत्ती जल रही है और ये कट हो गया है। तो अब हम पानी खोल देते हैं यहाँ से। पानी खोल देते हैं, पानी अच्छा गर्म है। अब देखते करीब आधा बाल्टी पानी निकल गया है, अभी इसने अपने आप चल जाना चाहिए, अगर ये अपने आप ऑन हो जाता है
ये देखिए फ्रेंड, हमारा काम फाइनली हो चुका है। पानी भी हमारा एकदम गर्म आ गया है, देखिए गाइस। आपको फाइनली समझ में आ चुका होगा मैंने क्या किया, और इस टाइप की प्रॉब्लम होती रहती है, ठीक है, कि आपका एक बार पानी गर्म हुआ उसके बाद से आपका अंदर से कट हो गया, उसके बाद से आपने भी खोला, फिर दोबारा आपको रिस्टार्ट करना पड़ा है, कि आपकी उससे समझ में आती नहीं है कि करना क्या है करके। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने स्पेशली मेरे को इत्तेफाक से गीजर मिल पड़ा इस टाइप से, क्योंकि ज़्यादातर इस टाइप के फॉल्ट होते हैं गीजरों में। तो आप इसको बढ़िया से समझ गए होंगे, और समझ गए हो दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और फिर कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।